हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सुमन किचन हिंदी में। आज हम बनाने वाले हैं नाश्ता बेसन आलू स्टफिंग का। तो यहाँ पे इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने एक कटोरी लिया है बेसन, और बेसन को पहले खाली कर लेंगे एक बड़े बर्तन के अंदर। और बेसन को यहाँ पे आप अच्छे से छान लें, साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1/4 टेबल स्पून ज़ीरा, और ज़ीरे से काफ़ी अच्छा टेस्ट हो जाएगा, खाने में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। साथ ही ऐड करेंगे यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून नमक, आप ले सकते हैं आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे अभी इसको मिक्स कर लेंगे एक बार। मिक्स करके यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके आटे का एक डो बना लेंगे इसका। और आटे का डो बिल्कुल ठीक ठीक करना है आपको, ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। तो आटा बना के तैयार कर लिया है, और आटे की एक लोई बना लेंगे जिस तरह से रोटी बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए बेसन के आटे की मैंने एक लोई बना के तैयार कर ली है, और अभी इसको बेलन से बेल लेंगे बिल्कुल गोल रोटी की तरह। तो यहाँ पे हमने इसको देखिए बेल के तैयार कर लिया है, और अभी हम यहाँ पे इसको इसी तरह से छोड़ देंगे। साथ ही यहाँ पे देखिए मैंने 4 से 5 आलू लिए हैं, आलू बिल्कुल बॉईल किए हुए हैं, बॉईल करके इनको छील लिया है मैंने। अभी आलू को एक बड़े बर्तन में डाल लेंगे, और इसको हम कर लेते हैं मैश। तो यहाँ पे देखिए मैं इस तरह से मैश कर रही हूँ, आप चाहें तो हाथ की सहायता से भी मैश कर सकते हैं। और यहाँ पे आलू आप पहले ही बॉईल करके तैयार कर लें। तो यहाँ पे देखिए मैंने मैश कर लिया है, और अभी इसमें ऐड करेंगे मसाले। मसालों में मैं यहाँ पे सबसे पहले ऐड कर रही हूँ 1/4 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, और यहाँ पे ऐड करेंगे 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। तो हल्दी पाउडर भी ऐड कर देंगे, साथ ही यहाँ पे इसमें ऐड करेंगे हम नमक 1/4 टेबल स्पून, और यहाँ पे अभी इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ी सी बारीक कटी हुई प्याज, और यहाँ पे अभी ले रहे हैं अदरक कद्दूकस किया हुआ 1/4 टेबल स्पून, और यहाँ पे प्याज ऐड कर देंगे इसके अंदर हम। प्याज हम यहाँ पे 2 चम्मच ऐड कर रहे हैं, ज़्यादा ऐड नहीं कर रहे हैं इसके अंदर, आप चाहें तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। हरी मिर्ची ऐड करेंगे बारीक कटी हुई, और यहाँ पे हमने हरी मिर्ची और लाल मिर्ची का यूज़ कम किया है, क्योंकि हम बना रहे हैं बच्चों के लिए स्पेशल। बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर दिया है ताकि बच्चे इसे ईज़िली खा ले, ज़्यादा मिर्ची खाना बच्चे पसंद नहीं करते हैं। तो इस तरह से हम बिल्कुल ही कम स्पाइसी बना रहे हैं आप बच्चों के हिसाब से। आप अगर स्पाइसी खाते हैं तो आप इसमें मिर्ची ज़्यादा ऐड कर लें। और यहाँ पे मैंने आलू की स्टफिंग बना के तैयार करके रख ली है, और अभी स्टफिंग को हम यहाँ पे इसके अंदर ऐड करेंगे। तो उससे पहले यहाँ पे हमें करनी होगी कटिंग, और इस तरह से चारों तरफ से इसके चारों कोने कटिंग कर लेंगे। चारों कोने कटिंग करने के बाद में बीच में से भी इसको हम यहाँ से काट के इसके 4 पीस कर लेंगे, और ये 4 पीस करके मैंने रेडी कर लिए हैं। और अभी इनके अंदर स्टफिंग ऐड करेंगे। तो स्टफिंग ऐड करने के लिए पहले दोनों तरफ से यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे 1 चम्मच मैंने आलू की ले लिए स्टफिंग, और यहाँ पे बीच में इसको इस तरह से ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद में दूसरा जो पीस है कटिंग किया हुआ वो इसके ऊपर ऐड करके इसको हल्का सा हम प्रेस कर देंगे। तो पहले स्टफिंग ऐड कर दिए अच्छे से, और यहाँ पे दूसरा पीस इस पर ऐड करके इसको इस तरह से चारों तरफ से प्रेस कर लिया है मैंने। और ये प्रेस करके दबा लेना है अच्छे से ताकि ये खुले नहीं बीच के अंदर बिल्कुल भी, और इस तरह से एकदम परफेक्ट है। आप कोई सा भी शेप दे सकते हैं, आप चाहे तो समोसे के जैसा शेप भी दे सकते हैं इसको। यहाँ पे मैंने सारे पीस बना के तैयार कर लिए हैं, और काफ़ी सुंदर लग रहे हैं इस तरीके के पीस। तो यहाँ पे अभी देखिए इनको करना है फ्राई, और फ्राई करने के लिए मैंने गैस रख दी कढ़ाई पे, तेल करने के लिए गरम। तो यहाँ पे पीस आप पहले बना के तैयार ना करें, उससे पहले आप गैस पे तेल गरम करने चढ़ा दें, ताकि तेल गरम हो जाए तब तक आप इनको बना के रेडी कर ले। तो तेल हमारा हो चुका है गरम, इसमें ऐड कर देंगे और ऐड करके इनको फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करने के लिए जब भी आप कोई चीज़ को फ्राई करते हैं तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि तेल आपका बिल्कुल अच्छे से गर्म होना चाहिए, हल्का सा भी तेल कच्चा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी जो भी रेसिपी है वो ख़राब हो जाएगी। आप पहले तेल को अच्छे से लो एकदम हाई फ्लेम पे अच्छे से गरम कर लें, उसके बाद अगर आप कोई सी भी चीज़ फ्राई करते हैं तलते हैं तो उसके लिए आपको जो गैस की फ्लेम है मीडियम लो फ्लेम पे रखें हमेशा। उससे जो भी चीज़ आप फ्राई करते हैं तलते हैं तो काफ़ी क्रंची बनती है, और काफ़ी अंदर से सिक जाती है, यानी कि अंदर से कच्ची बिल्कुल नहीं रहती है। तो
बनाने का तरीका तो एक ही है। यहाँ पे देखिए गैस की फ्लेम बिल्कुल लो पे रख रखी है मैंने, आप चाहे तो मीडियम लो फ्लेम पे भी रख सकते हैं, मगर लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो काफ़ी अंदर से ये टेस्टी बनेगा, क्रंची बनेगा और सिक भी जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फ्राई कर लिया है मैंने इनको, बिल्कुल हल्का गोल्डन कलर ही आने तक का फ्राई करना है हमें। और अभी इन पीस को हम निकाल लेते हैं बाहर, और बाकी जितने हमारे पीस रखे हुए हैं वो सारे हम इसी तरह से कढ़ाई में तेल में ऐड करके फ्राई कर लेंगे। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है पीस। तो इस तरह से घर पे जब भी मेहमान आते हैं तो आप इस तरह से नाश्ता बना के उनको सर्व कर सकते हैं, और उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि आपने कैसे बनाया है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस लगेगा। तो डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छी है और बिल्कुल नई डिज़ाइन है और बिल्कुल नया नाश्ता है ये एक तरह से। तो आप इस रेसिपी को घर पे ट्राई करते हैं, और आपकी रेसिपी कैसी बनती है तो आपको हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताना है कि आपने रेसिपी अगर ट्राई की है तो आपकी रेसिपी कैसी बनी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे पीस ही फ्राई कर लिए हैं, करीब करीब सब पीस फ्राई हो चुके हैं, और अभी निकाल लिया है कढ़ाई के अंदर से, और काफ़ी टेस्टी काफ़ी डिलीशियस लगेंगे इस तरह से खाने के अंदर, चाय के साथ या सॉस के साथ या चटनी के साथ भी आप इनको खा सकते हैं। तो बन के तैयार है हमारा यहाँ पे बेसन आलू का सुपर टेस्टी नाश्ता। और यहाँ पे फ्रेंड्स वीडियो लाइक करना ज़रूर ना भूलें आप, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी बटन जरूर दबा दें अगली नोटिफिकेशन पाने के लिए।